अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ एल्केन को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, कुछ रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज जो रिएक्शन हमने डिस्कस करनी है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन, एल्केन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन। भैया अगर एल्केन के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात की जाए, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते किसको हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, दोज रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस इन विच जिसमें आ सब्सटेंस कोई भी शय क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। आ सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सही है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास अगर कंडीशन देखी जाए, पहला रिएक्शन हमारे पास ये है, कंडीशंस दो चीज़ें चाहिए, कैटलिस्ट और टेम्परेचर। बच्चे यहाँ पे टेम्परेचर हमें चाहिए तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो। कितना? 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और सिल्वर ऑक्साइड को यूज़ करेंगे एज अ कैटलिस्ट, Ag2O, इसे कहते हैं सिल्वर ऑक्साइड को हम यूज़ करेंगे, इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। सही। इसके बाद मेन चीज़ हमारे पास रिएक्शन ही है। भाई रिएक्शन के ही नंबर होंगे आपके पास। सही। रिएक्शन किस तरह करवाएंगे ज़रा गौर कीजिएगा। देखो ये रिएक्शंस ऑफ एल्कीन है। क्या हमारे पास? रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। सही है। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास ये एल्कीन, ये क्या हमारे पास अल्कीन, आपने करवानी है इसकी ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवानी है। ये ऑक्सीजन है बच्चे, आपने यूज़ करना है सिल्वर ऑक्साइड को, Ag2O को सिल्वर ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिल्वर ऑक्साइड। और यहाँ पे टेम्परेचर आपने देना तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। तो क्या होगा ये वाली ऑक्सीजन? आपको एक बात पता है, आपको एक चीज़ का इलम है कि जब भी कोई चीज़ ऐड करोगे वो कहाँ पर ऐड होगी? डबल बॉन्ड के अक्रॉस। कहाँ पर ऐड होगी? डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होगी। तो ये वाली ऑक्सीजन कहाँ पर ऐड होगी? इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस। किस तरह ऐड होगी जरा गौर कीजिएगा बच्चा। ये H2C सिंगल बॉन्ड CH2 और एक ऑक्सीजन एटम इस तरह ऐड होगा। ये देखो, ये ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है ना, ये दो बॉन्ड ऑक्सीजन के बन गए, कार्बन के भी चार चार बॉन्ड पूरे हैं। अच्छा, अगर ऑक्सीजन इस तरह जुड़ी हो किसी भी कंपाउंड में, इस तरह के कंपाउंड को नाम दे रहे होते हैं एपो ऑक्साइड। क्या नाम दे रहे थे? एपो ऑक्साइड। और इस कंपाउंड का नाम बनेंगे इथाइलिन एपोक्साइड, या इथीन, या इथाइलिन भी कह सकते हैं, इथाइलिन एपोक्साइड। अच्छा, अगर मैं एक और रिएक्शन करवाऊँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ ये वाला है मेरे पास कंपाउंड, तो अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाफ ऑक्सीजन को ऐड करो, इसमें सिल्वर ऑक्साइड को यूज़ करो एज अ कैटलिस्ट, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दो। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनाएगा ज़रा गौर कीजिएगा, CH3CH CH2। बच्चे दोबारा फिर आपने ऑक्सीजन कहाँ पर ऐड करनी है? डबल बॉन्ड के क्रॉस। देखो डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के लगे दरमियान में, तो यहीं पर दरमियान में ऑक्सीजन को ऐड करोगे, यहीं पर दरमियान में क्या कर दोगे? ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे। भाई ये वाला जो कंपाउंड हमारे पास बना है इसको कहते हैं प्रोपाइलिन एपोक्साइड। क्या कहते हैं? प्रोपाइलिन। देखो ये प्रोपेन है ना, तीन कार्बन वाला, तो प्रोपाइलिन एपोक्साइड ले ली। ये हमारे पास एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ लिया। बट इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, वो है कंबशन। कंबशन अगर अल्केन की पड़ी हुई है तो अल्केन की कंबशन सेम एज इट है। क्या हमारे पास है? सेम एज इट है। सही। तो हमारे पास अगर डेफिनेशन की जाए तो अल्केन के रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, जो भी बात करेंगे अल्केन के हवाले से करेंगे, तो हम कहेंगे बर्निंग ऑफ अल्केन इज कॉल्ड बर्निंग ऑफ अल्केन। अल्केन के बर्निंग को हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड कंबशन। अल्केन के बर्निंग को कंबशन का नाम दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं? कंबशन का नाम दे रहे होते हैं। बट इसमें कंडीशन क्या चाहिए? हमने अल्केन की बर्निंग पढ़ी थी, वहां पे कंडीशन दो लिखी थी। क्या थी कंडीशन? ऑक्सीजन गैस चाहिए, स्पार्क चाहिए। सही है।
ऑक्सीजन गैस एंड स्पार्क इज नीडेड, स्पार्क इज नीडेड टू इनिशिएट कंबशन, टू इनिशिएट कंबशन, कंबशन को स्टार्ट करने के लिए स्पार्क की जरूरत भी पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? स्पार्क की। बच्चे कंडीशंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज जो आएगी बच्चे, वो रिएक्शन है। वो क्या हमारे पास है? रिएक्शन। मैंने एक बात आपको बता रखी है बच्चे, जिस चीज की भी कंबशन आ जाए प्रोडक्ट सेम रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और साथ में हीट, सही है। तो आप इथीन ले लो। इथीन क्या है हमारे पास? H2C डबल बॉन्ड CH2। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको जलाओगे, जलाओगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर प्लस हीट। ले जी, ये रिएक्शन भी हो गया। ये रिएक्शन आसान सा था, उन्होंने इस तरह के रिएक्शन पूछे नहीं जाते एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो अब करने लगे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे पास रिएक्शन विद KMnO4। क्या? रिएक्शन विद KMnO4। KMnO4 के साथ रिएक्शन। पहले नंबर पर चंद बातें मेरी सुन लो, इसके बारे में ना कुछ और भी नाम है रिएक्शन विद KMnO4 के, ना कुछ और भी नाम बचे। इस रिएक्शन को हाइड्रोऑक्साइलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोऑक्साइलेशन। क्या नाम दे रहे थे? हाइड्रोऑक्साइलेशन। इस रिएक्शन का एक और नाम भी है, वो है बायर्स टेस्ट। क्या है? बायर्स टेस्ट। अब ये हाइड्रोऑक्साइलेशन, बायर्स टेस्ट और रिएक्शन विद KMnO4 या ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। अब इसके मुताबिक ना पास्ट पेपर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो ये है, हाउ, किस तरह अनसेचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड। किसी कंपाउंड की अनसेचुरेशन को किस तरह मालूम किया जाता है? भैया अनसेचुरेशन से मुराद क्या है? भैया अनसेचुरेशन से मुराद है किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, आप इस चीज़ को किस तरह पता लगाओगे? देखो, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है तो कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम कहेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। सैचुरेटेड कौन से होंगे? जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा। आप इन दो में पहचान कर सकते हैं इस चीज़ को यूज करके। बच्चे आपने करना क्या है, एग्जामिनर आप जब प्रैक्टिकल करोगे ना वहाँ पर ये वाले सोल्यूशन हमें पहचान करने पड़ते हैं, वहाँ पर टेस्ट करते हैं। आपको एक सोल्यूशन दे दिया जाएगा, आपको टेस्ट करना है और टेस्ट करके बताना है कि ये सैचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। आपने करना क्या है, KMnO4 का सोल्यूशन लेना है। KMnO4 का सोल्यूशन लैब के अंदर पड़ा होता है और इसका कलर होता है पिंक। किस तरह रंग होता है? गुलाबी रंग होता है, सही। बच्चे ये मेरे पास KMnO4 का सोल्यूशन मैंने इसमें ले लिया और मैंने यहाँ से एक ड्रॉप यहाँ पर डाल दिया। क्या कर दी यहाँ पर? एक ड्रॉप डाल दिया, सही है। हमारे पास क्या है? सोल्यूशन ऑफ KMnO4। KMnO4 का सोल्यूशन है। भाई जैसे मैं एक ड्रॉप डालूंगा, दो पॉसिबिलिटी हैं। कितनी पॉसिबिलिटी हैं? दो। पहली पॉसिबिलिटी, कलर रिटेन रहेगा या फिर कलर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, गायब हो जाएगा। भैया अगर कलर रिटेन रहता है, मतलब पिंक कलर डाला है, नीचे जाके जी नीचे सोल्यूशन का पानी की तरह का नीचे जाके पिंक ही रहता है, तो आप कहोगे ये कंपाउंड जो भी है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको पता है एल्केन है। क्या है हमारे पास? और अगर कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो आप कहोगे ये वाली चीज़ हमारे पास है अनसेचुरेटेड, और अनसेचुरेटेड का मतलब होता है कि ये चीज़ एल्कीन है या अल्काइन है। अल्कीन है या फिर क्या है हमारे पास? अल्काइन है। अब अल्कीन आपको पता क्या है? रिएक्शन विद KMnO4, यानी कि अल्कीन के रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अगर आप KMnO4 का सोल्यूशन डालते हो
तो रिएक्शन होते ही कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। अब कलर डिस्चार्ज होगा तो आप कहोगे ये चीज़ अल्कीन है या अल्काइन भी हो सकती है। याद रखिएगा अल्कीन भी रिएक्शन करती है और अल्काइन भी रिएक्शन करती हैं, सही है। तो यही बात है, हम पहले चलो पहले रिएक्शन करवा लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। भाई साहब गौर कीजिएगा रिएक्शन किस तरह होगा। भाई आपने KMnO4 लेना, देखो ये वाले अल्कीन है, ये क्या मेरे पास है अल्कीन है, इसमें KMnO4 का सोल्यूशन डाल देना है, KMnO4 का सोल्यूशन। जब मैं बात करूंगा सोल्यूशन की तो उसमें वाटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, KMnO4 का सोल्यूशन। अब पता है क्या होगा, इस रिएक्शन को हाइड्रोक्साइलेशन क्यों कहते हैं, देखो डबल बॉन्ड दोबारा फिर किस में कन्वर्ट हुआ, सिंगल में, और जैसे ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ बेशक ऊपर वाली साइड पे OH लगा दो, यहाँ पर आप नीचे वाली साइड पे OH लगा दो, सही बच्चे। इस कंपाउंड को कहते हैं इथाइलीन ग्लाइकोल, इथाइलीन ग्लाइकोल, मतलब यहाँ पे कौन सी चीज ऐड हुई है, हाइड्रोक्साइड, और डेट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हाइड्रोक्साइलेशन। और इस टेस्ट को बायर्स टेस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बायर्स टेस्ट भी कहते हैं। और इसके साथ क्या बन रही होती है चीजें, इसके साथ बनेगा KOH और साथ में MnO2। ये आपने रिएक्शन मैट्रिक में बड़ा हुआ है सारे का सारा, और अब इसकी बातें लिखनी है हमने। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज रिएक्टेड विद जब KMnO4 का सॉल्यूशन रिएक्ट करता है रिएक्टेड विद अल्कीन के साथ देन द डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन जो अल्कीन का डबल बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड एंड पिंक कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज, पिंक कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज्ड। KMnO4 का जो पिंक कलर है ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और नीचे ये रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन लिखने के बाद लास्ट में लिखना है दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस रिएक्शन को, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अनसेचुरेशन को मालूम करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, सही है। तो ये थे जी हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। एक रिएक्शन रह गया वो है ओजोनोलाइसिस, वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सही वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे। तो यही हमारे पास तीन रिएक्शन आज हमने डिस्कस किए हैं, एक ऑक्सीडेशन वाला है सिंपल, इसके बाद कंबस्शन, और कंबस्शन के बाद लास्ट वाला जी रिएक्शन विद KMnO4, हाइड्रोक्साइलेशन और बायस टेस्ट। अच्छा बायस टेस्ट के अलावा इसके एक और भी, ये अगर आपसे ये बोले वाटर हाइड्रोक्साइलेशन तो भी यही रिएक्शन आएगा, वाटर बायस टेस्ट तो भी यही आएगा। अगर आपसे कोई इस तरह सवाल कर ले, ये भी सवाल आ सकते हैं इसका, राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्केन और अल्कीन में कोई एक ऐसा टेस्ट लिख दो जो अल्केन और अल्कीन में डिस्टिंग्विश कर सके, फर्क कर सके, तो वहां पे भी बायर्स टेस्ट ही आएगा। क्या होता है जी, अल्कीन रिएक्शन करती हैं, अल्केन रिएक्शन नहीं करेगी, सही। और ये वाला पीछे प्रोसीजर है सारे का सारा,
सही है। तो ये सिंपल सी बात याद रखिएगा, इस तरह भी सवाल आपसे ये वाला पूछा जा सकता है। सही है, तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।